सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा जो 3 नए अपग्रेड के साथ आ सकता है। अगर आप सैमसंग अल्ट्रा सीरीज के फैन हैं तो डेफिनेटली आपको ये अपडेट्स पसंद आएंगे। तो सबसे पहले डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है सैमसंग अपने फोन्स में खुद की डिस्प्ले यूज करता है और सैमसंग दूसरी कंपनीज को भी अपनी डिस्प्ले सप्लाई करती है जैसे कि एप्पल। और सैमसंग अपनी बेस्ट डिस्प्ले फ्लैगशिप सीरीज यानी कि गैलेक्सी एस अल्ट्रा सीरीज के लिए यूज करती है और पुरानी डिस्प्ले दूसरी कंपनीज को सप्लाई करती है। लेकिन इस बार थोड़ा चेंजेस देखने को मिला था। iPhone 14 Pro Max में S23 Ultra से बेटर डिस्प्ले देखने को मिली थी, लेकिन S24 Ultra में ऐसा नहीं होगा। As per South Korean media report, इस बार Samsung S24 Ultra में 13 generation AMOLED panel का यूज होने वाला है called the M13 जो S24 Ultra में यूज होगा। इनफैक्ट S24 सीरीज के सभी मॉडल्स में यही डिस्प्ले यूज होने वाली है और ये नई डिस्प्ले पैनल ज़्यादा पतली है, ज़्यादा पावर एफिशिएंट भी है और पिक्चर क्वालिटी भी ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी। और iPhone 15 Ultra में 12 जनरेशन OLED पैनल का यूज़ होने वाला है विच इज़ M12 जो Samsung ने ऑलरेडी Z Flip और Z Fold 5 में यूज़ करी है। और M13 पैनल का यूज़ तो iPhone 16 से पहले देखने को नहीं मिलने वाला है। अगले अपडेट की बात करें तो इस बार Samsung S24 Ultra में भी 3x टेलीफोटो लेंस यूज़ करने वाली है, लेकिन इस बार बेटर लेंस यूज़ होने वाला है। पर आइस यूनिवर्स सैमसंग इस बार 50 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल टेलीफोटो लेंस यूज करने वाला है, यानी S23 अल्ट्रा के कंपेयर में 5 टाइम्स बेटर रिजोल्यूशन मिलेगा जो कि S23 अल्ट्रा में 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो रिजोल्यूशन मिलता था। और इस नए कैमरा में सेंसर साइज भी बड़ी मिलने वाली है तो इस लेंस से डे और नाइट टाइम में वीडियो और फोटोज ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी और 3x और 10x की जो बिटवीन फोटोज है वो भी ज़्यादा इम्प्रूव मिलेगी क्योंकि S21 अल्ट्रा से जूम कैमरा में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है। तो S24 अल्ट्रा में जूम में भी बड़ा चेंजेस मिलेगा। दूसरा अपडेट देखें तो एस पर साउथ कोरियन रिपोर्ट रैम और स्टोरेज में भी अपग्रेड मिलने वाला है। इस बार S24 अल्ट्रा में 2 रैम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, 12 गीग्स ऑफ रैम एंड 16 गीग्स ऑफ रैम। और S24 प्लस में भी 2 रैम ऑप्शन मिलेगा, 8GB रैम और 12GB रैम। और स्टोरेज की बात करें तो S24 सीरीज के सभी मॉडल्स में मिनिमम स्टोरेज इस बार 256GB मिल सकता है। और इस बार प्रोसेसर की बात करें शायद यूरोपियन रीजन में अगेन एक्सिनोस प्रोसेसर मिल सकता है और इस बार 10 कोर CPU मिलेगा और बाकी के रीजन में एज यूजुअल स्नैपड्रैगन का 8 जेन 3 प्रोसेसर मिल सकता है क्योंकि एक्सिनोस है वो सैमसंग का इनहाउस प्रोसेसर है जो कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है। एस पर न्यू स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 की कॉस्ट $160 है। वही सैमसंग की फाउंड्री में बना टेंसर प्रोसेसर जो गूगल यूज करती है उसकी जो कॉस्ट है वो $50 है। दोनों ही फ्लैगशिप लेवल के हैं तो भी यहाँ पे कॉस्ट में इतना डिफरेंस है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं इंडिया में कौन सा प्रोसेसर आना चाहिए, स्नैपड्रैगन या एक्सिनस, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट न्यू अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला गिव अवे देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दी हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।